हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करनी है तो कैसे करेंगे, या आपको डुअल स्क्रीन करनी हो तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर डुअल स्क्रीन कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर डुअल स्क्रीन इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो कैसे यूज करेंगे तो हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है जिसमें आपको फ़ोन स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करता हो। तो कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर एक मैसेज एप्लीकेशन है जिसे हम अपना ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो फ़ोन है की होम स्क्रीन है इस पर आपको थ्री फिंगर से लेनी है और स्वाइप अप ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऊपर के लिए स्वाइप अप करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन नंबर आता है फेसबुक, तो यहाँ से हम अपने फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो चुकी है। ऊपर हमारा मैसेज बॉक्स चल रहा है, नीचे आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में फेसबुक ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से आप फेसबुक देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो चुकी है। जो भी आपको करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन एनेबल करनी है। अगर आपको एक स्क्रीन ऑफ करनी है तो इसे नीचे के लिए स्वाइप कर देंगे, ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।